हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सटेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इक्विडिस्टेंट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, राइट। बाकी सारी प्रोजेक्शंस की वीडियो हम लोगों ने बना चुकी है, सो आप लोग हाँ विजिट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और सारी वीडियोस को एक बार वॉच करिए, राइट। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इस सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, इक्विडिस्टेंट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बनाना सीखेंगे। हमें क्वेश्चन गिवन है, लिखा है ड्रॉ एन इक्विडिस्टेंट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, मतलब कि एक इक्विडिस्टेंट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का निर्माण करें जिसका आरएफ कितना है, 1:300, आगे 6 बार 0, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और सीआई दैट मींस क्लास इंटरवल है 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री, 15 डिग्री हमें क्लास इंटरवल दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारा इक्विडिस्टेंट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, इसे बनाने के लिए हमारे 4 स्टेप्स आते हैं, जिसमें स्टेप नंबर 1 क्या होता है, आर का कैलकुलेशन, रेडियस का कैलकुलेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे S1, जो कि हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 हमारा क्या होता है, R का कैलकुलेशन। R इज इक्वल टू हमारा जो भी हम लोगों ने मान रखा है अर्थ का एक्चुअल सरफेस, हम उसे लेंगे जो कि है 6, 3, 5 और 6 बार 0, राइट, अपॉन जो भी आपका RF गिवन है आप उसे यहाँ पे लिख दोगे। कितना है हमारा, 300 और 6 बार 0, ठीक है। अब आप लोगों के एक जो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा वो ये होगा कि हमने जो अर्थ का जो रेडियस है उसे 6, 3, 5 ही क्यों लिया, ठीक है। इसलिए लेते हैं क्योंकि अर्थ जो होती है वो हमारी स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है। अगर हम लोग, ये क्या होता है हमारा इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, तो भूमध्य रेखा या फिर कह सकते हो इक्वेटर पे हम लोग अगर रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें ज्यादा मिलेगा, बजाय हम लोग जब पोलर एरियाज के पास रेडियस कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग एवरेज, ठीक है, एक एवरेज मान लेते हैं डिस्टेंस रेडियस जो कि है 6, 3, 5 और 6 बार 0, दैट्स व्हाई हम लोग यही वैल्यू को लेते हैं, ठीक। फिर क्या करेंगे हम लोग, आर को कैलकुलेट करने के लिए इन्हें डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पर हमें जो मिलेगा आर, वो मिलेगा 2.11 सेंटीमीटर्स हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, हमें रेडियस मिल गया हमारा। जैसे ही हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया, हमारा जो स्टेप वन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू, जो कि है लेंथ ऑफ इक्वेटर, मतलब भूमध्य रेखा की जो लंबाई है उसे ज्ञात करेंगे, उसे कैलकुलेट करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो गाइज, दिस इज आर सेकेंड स्टेप, राइट। सेकेंड स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ इक्वेटर कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो लेंथ ऑफ इक्वेटर को कैलकुलेट करने के लिए, भूमध्य रेखा को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा 2πr। 2πr फॉर्मूले को हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये सवाल उठेगा। बिकॉज जो हमारा ये हमारा किस टाइप का प्रोजेक्शन है, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। सिलेंड्रिकल को अगर आप लोग ऊपर से देखोगे, टॉप व्यू से देखोगे, तो वो क्या दिखाई देगा आप लोगों को, एक सर्कल, ठीक है। और 2πr क्या होता है, 2πr होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, दैट्स व्हाई हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। जो r की वैल्यू अब क्या पुट अप करेंगे, r की वैल्यू वो पुट अप करेंगे जो हमने स्टेप वन में जो निकाल रखी है r की वैल्यू, जो कि हमारी कितनी निकली थी 2.11 सेंटीमीटर, हम उसे यहाँ पुट करेंगे। और पाई की वैल्यू को पुट अप करेंगे 22/7। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, राइट। अब करते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं, 2 × 22/7 × 2.11, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप आपको इसे सॉल्व करना आता हो, सो सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा 13.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आपको आंसर कितना मिलेगा, 13.2, या ई लिख दे रही हूँ, ठीक है, लेंथ ऑफ इक्वेटर है 13.2 सेंटीमीटर की, आपको इक्वेटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पर जैसे ही आपने ये इतने यहां तक निकाल लिया तो आपका स्टेप टू कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप टू आप लोगों का क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब क्या करेंगे, स्टेप थ्री की तरफ पढ़ेंगे। सो स्टेप थ्री में क्या होता है गाइस, स्टेप थ्री में आप लोगों को लॉन्गिट्यूड्स, हमने लैटिट्यूड की बात, इक्वेटर की बात कर ली, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स का पता लगाना है, मतलब दो देशांतर रेखाओं का के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, कितना गैप होगा, वो पता लगाना है, ठीक है।
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, 2πr(ci). शुरुआत में क्वेश्चन में ci क्या था, क्लास इंटरवल, और यहां पर भी ci क्या है, क्लास इंटरवल, अपॉन 360। सो गाइस 2πr हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये मैं शुरुआत में बता चुकी हूँ। क्लास इंटरवल इसलिए क्योंकि अब हम लोग क्या करें, डिस्टेंस लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स बता दो सबसे पहले क्या होता है। ये सपोज हमारा ग्लोब है, ग्लोब पे ये जो रेखाएं होती है जैसे इक्वेटर, ऐसे ऐसे पोल की तरफ बढ़ती जा रही, जितनी भी लेटाई लेटी हुई रेखाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, राइट। और जितनी भी खड़ी हुई रेखाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, या फिर कह लीजिए वर्टिकल रेखाएं होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा आपको, राइट। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लास इंटरवेल की वैल्यू डालनी है, ठीक है। 360 इसीलिए क्योंकि जो एक सर्कल होता है वो 360 एंगल का होता है, पूरा जो एंगल होता है उसका ओवरऑल वो कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये इसकी वैल्यू 360 लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुटअप करेंगे। एक बार सेकेंड स्टेप की तरफ देखते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने 2πr की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। 2πr डालकर वैल्यू निकाल ली है जो कि हमें 13.2 मिली है, ठीक है। तो सिंपली 13.2 हम लोग यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 13.2 जो कि हमारे 2πr की वैल्यू थी, इनटू क्लास इंटरवल। क्वेश्चन में एक बार अगर आपने नोट किया हो तो अच्छा है, वरना मैं बता दूं कि क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल 15 डिग्री का दिया हुआ था, कितना, 15 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को जो आंसर मिलेगा वो होगा 0.55 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.55 आपका सेंटीमीटर होगा डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। दैट मीन्स, कहने का मतलब है जब आप लोगों ने सपोज इक्वेटर बनाया, अब क्या करोगे, आप उसका डिवीजन करोगे ऐसे ऐसे करके, लॉन्गिट्यूड्स बनाओगे, तो इनके बीच में दो लॉन्गिट्यूड्स, ये सपोज ये लॉन्गिट्यूड वन मान लो, ये लॉन्गिट्यूड टू मान लो, ठीक है, 1 डिग्री का और 2 डिग्री का, तो इसमें क्या करोगे, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0.55, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब हमें जितना भी डेटा की जरूरत थी वो हमने कलेक्ट कर लिया है। सो अब लोग हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे हमें प्रोजेक्शन बनाना है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टेप 4 है, राइट। स्टेप 4 में हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला जिसमें काम होगा ये, वो ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इक्वेटर की लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट करी थी। तो स्टेप 2 की तरफ जाते हैं और देखते हैं कितनी लेंथ की हम लोग, कितनी लंबी हम लोग इक्वेटर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ हमने लेंथ ऑफ इक्वेटर निकाला था जो कि क्या आया था, 13.2। दैट मीन्स हम लोग स्टेप 3 में आकर 13.2 सेंटीमीटर की क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सही। सो गाइस, ये 0 है और यहाँ से हम लोग लाइन खींचेंगे, 0 से चले हम लोग 13.2, राइट। हमने यहाँ तक लाइन खींची, ठीक है। ये जो लाइन होगी वो इक्वेटर होगी, ठीक, इक्वेटर होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर या फिर प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके, जो कि हमारा प्रोटेक्टर है, ठीक है। सो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके कैसे खींचेंगे, हमने इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग 90 को मार्क कर देंगे, ठीक है। ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को, 90 को मैंने मार्क कर दिया और एक सीधी लाइन इस टाइप से खींच ली, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड लाइन खींचेंगे, तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यहाँ पे मैं स्केल की हेल्प से खींच रही हूँ, बट आप लोग क्या करेंगे कि इसको सीधे प्रोटेक्टर की हेल्प से या फिर सेट स्क्वायर की हेल्प से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, राइट। यहाँ मैं दोनों दोनों साइड पे लाइन खींच रही हूँ, राइट। ये मैंने लाइन खींच ली, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें डिवीजन सबसे पहले करेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड्स का। अब आपने बाकी सारे तरीके से देखा होगा कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया था डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड ऊपर स्टेप 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0.55 आया था। दैट मीन्स क्या होता है कि हम लोग स्केल पे क्या करेंगे, स्केल पे 0.5 की, ये देखिए ये 0.5 का मेजरमेंट लेंगे और क्या करेंगे, 0.5 का मेजरमेंट जैसे कि मैंने लिया, ठीक है, ये करेंगे और किसी भी इस पॉइंट पे रखेंगे और आर्क बनाते जाएंगे। बट ये तरीका सही तो है, बिल्कुल सही तरीका है ये करने का, पर इससे होता ये है कि
मोस्ट ऑफ द हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन में तो सही आता है, पर हम लोग जब बनाते हैं तो हमारा मेजरमेंट गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने दो तीन क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो चाहे हम इक्वल एरिया करें चाहे कुछ भी करें, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं आता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आप कोई भी सिलेंडर का प्रोजेक्शन बनाते हो इक्वल लाने के लिए आप लोग ये तरीके को इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है हम लोगों को, इस पॉइंट सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है कि हमें कितनी रेखाएं बनानी है यहाँ पर। सो गाइस 360 को दिखाना है 15 15 में, जैसे कि 15 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 75, इस तरह करके हमें 360 तक दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनानी है ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 360 को क्लास इंटरवेल जो कि हमारा 15 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे आपको कितना मिलेगा 24, दैट मींस आपको 24 लाइंस खींचनी होंगी। आई होप इतनी बात क्लियर होगा ये होगी। सो मैं इसे अब रब कर दे रही हूँ और आपको बताने जा रही हूँ एक तरीका। हमें ये पता चल गया हमें 24 लाइन खींचनी है, दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अपनी मर्जी का एंगल ले लीजिए। यहाँ पे रखा हम लोगों ने प्रोटेक्टर, ठीक है, और फिर क्या किया मैंने कोई भी एंगल ले लिया, अपने मर्जी से कोई भी एंगल ले लिया। यहाँ पे मैंने 20 डिग्री का एंगल ले लिया, ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, इससे एक लाइन ड्रॉ करूंगी इस 20 डिग्री से। ठीक है, इस पॉइंट से लिया मैंने एक लाइन ड्रॉ किया 20 डिग्री। आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि इसी लाइन को आप लोग एक्सटेंड करते हुए ले जाए, राइट। तो मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करते हुए लेके गई यहाँ पे, ठीक। सिमिलरली इस पोर्शन पे रखेंगे प्रोटेक्टर कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने ये उल्टा रख रही हूँ, ध्यान से देखिए, ये किया यहाँ पे रखा प्रोटेक्टर को, फिर यहाँ पे मैंने 20 डिग्री एंगल सेम रखिएगा, याद रखिएगा 20 डिग्री लगा लिया, ठीक है। और यहाँ से मैं इसे टच करते हुए लाइन को एक्सटेंड करके लेके गई, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या किया, इतना काम कर लिया। अब मुझे क्या करनी है, अपने कंपास पे कोई भी डिस्टेंस, इतनी बड़ी पसंद है इतनी बड़ी, जितनी भी बड़ी चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, फिर इस तरीके से मैंने छोटा सा डिस्टेंस लिया है, ठीक। और क्या करूंगी, मैं इस पॉइंट पे रखूंगी और कितने आर्क, 24 आर्क लगाऊंगी, कितने 24, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाना शुरू करती हूँ, सबसे पहले लगाती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 and 24, ठीक है। मैंने इस तरीके से लगाया। सिमिलरली अब कंपास का डिस्टेंस मत चेंज करिएगा, जितना वो जितने मतलब जितने बड़े यहाँ पे आर्क लगे सेम डिस्टेंस पे रखिएगा और इस पॉइंट से लेके आप लोग 24 आर्क लगाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से लाइक 1 से लेके पूरे 24 लगा लेते हैं यहाँ पे आर्क। सो गाइज मैंने इस साइड भी ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, 24 आर्क इस साइड भी, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट आर्क, इस लाइन का फर्स्ट आर्क को इस लाइन के लास्ट आर्क से अटैच करना है कुछ इस तरीके से। देखिएगा, याद रखिएगा पॉइंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे रखा मैंने और क्या किया, यहाँ पे देखिएगा हल्के हाथ से आप इसे अटैच कर दोगे। फिर अगला, इस पॉइंट को इस पॉइंट से अटैच करोगे, ये देखिए। फिर अगला, इस पॉइंट को इस अगले पॉइंट से अटैच करोगे, इस तरह अटैच करके आप पूरी लाइंस को अटैच कर दोगे। ये मैंने सारी लाइंस ड्रॉ कर लिया, अटैच कर लिए, राइट। अब क्या करेंगे, ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं ये वाले, ये जो पॉइंट्स हैं हम इसे रखेंगे और ये जो लाइंस हैं इन्हें रिमूव कर देंगे कुछ इस तरीके से। देखिएगा, देखेंगे इस टाइप से रखेंगे, या फिर क्या कर लीजिए आप, थोड़ा सा इनको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से पॉइंट्स बना लीजिएगा। जिस जगह पे ये इक्वेटर से इंटरसेक्ट होके निकल रही है वो वाले पॉइंट्स को, ठीक है।
अब क्या करोगे आप लोग? और ये जो बाकी है, जो बेकार की जो आपको एक्स्ट्रा लाइंस दिख रही है नीचे वाली, इन्हें आप पूरा रिमूव कर लोगे। गाइज ये तरीका बहुत इफेक्टिव है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन ले लो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फिक्स क्वेश्चन दिया, कोई भी क्वेश्चन का आप में आप डिविजन बिल्कुल सही कर पाओगे, क्योंकि उस तरीके से स्केल से डिस्टेंस लोगे, कंपास से लेके डिस्टेंस लोगे ना, तो वो नहीं हो पाएगा। अभी मैं आपको मेजर करके दिखाऊंगी कि इसकी डिस्टेंस भी 0.5 ही आ रही है, ठीक है? सो इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक? सो क्या करेंगे, अब हम लोग इन ऊपर वाली लाइंस को भी रिमूव कर देंगे। सो गाइज मैंने ये एक्स्ट्रा जो उतना भी था पार्ट रिमूव कर लिया है, और ये जो पॉइंट्स मैंने बाद में खींचे थे वही सिर्फ दिख रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, जैसे कि ये, फिर ये, ठीक है, फिर ये, फिर ये, इस टाइप की हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइंस खींच लेंगे, ठीक? सो हम लोग यहाँ पूरे पॉइंट से लेके पूरी स्ट्रेट लाइंस खींचेंगे। सारी लाइन खींच लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने लॉन्गिट्यूड्स बना लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, लैटिट्यूड्स बनाएंगे। लैटिट्यूड्स जैसे इक्वेटर, लैटिट्यूड्स जैसा कि नाम इसमें है कि इक्वी डिस्टेंट है, मतलब दोनों साइड की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। जैसे सपोज ऐसे ऐसे हमने लॉन्गिट्यूड्स खींच ली, फिर ये इक्वेटर है, ठीक है? जितना डिस्टेंस हमारे लॉन्गिट्यूड में होगा उतना ही डिस्टेंस हमारे लैटिट्यूड में होगा। आई होप बात समझ आई होगी। जितना हमारा लॉन्गिट्यूड में, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में सपोज इतना डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है? सो हम लोग जब हम लोग लैटिट्यूड बनाएंगे तो उसके बीच में भी 1 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस होगा। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड 0.5 किया था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्केल रखेंगे इस वाले पॉइंट पे, इक्वेटर 0 वाले पॉइंट पे, और हम लोग क्या करेंगे 0.5, इतना मतलब इतना डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, स्केल पे ऐसे करेंगे और बनाएंगे। ये होगा 15, उसके बाद कितना होगा 30, उसके बाद कितना होगा 45, उसके बाद कितना होगा 60, उसके बाद कितना होगा 75, उसके बाद कितना होगा 90, ठीक है? 90, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक है 90, 90, ठीक है। इसी तरह हम लोग, क्योंकि 15-15 का क्लास इंटरवल है, इसलिए हम लोगों ने 0 से 15, फिर 15 से 30 ऐसे किया है। सिमिलरली हम लोग इस पार्ट में भी ऐसे करेंगे, ठीक है? 0.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस लेंगे और पॉइंट लगाते जाएंगे। गाइस मैंने यहाँ पे 90-90 तक मार्क कर लिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैंने 90 ही क्यों मार्क किया, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा क्लास इंटरवल 15 है, ठीक है, 15 है। तो हमें क्या है, पोल कितने का होता है, पोल पॉइंट होता है 90 डिग्री का, ठीक है, दोनों साइड 90 डिग्री। फिर हम लोग 15 15 करके बढ़ेंगे, जैसे 0, फिर 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड खींचा हम लोगों ने, फिर 30 डिग्री का खींचा, फिर क्या खींचा, 45 खींचा, फिर 60 खींचा, फिर 75 खींचा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 15 खींचा, फिर 30 खींचा, फिर 45 खींचा, फिर 60 खींचा, फिर 75, और फिर हम लोग 90 तक पहुंच गए। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर किया है, 0 से लेके हम लोग 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90, 15-15 के क्लास इंटरवल में हम लोग पोल तक दोनों पहुंच गए, नॉर्थ एंड साउथ बोथ, राइट? अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने लाइंस ये मार्क करी थी, इनका डिस्टेंस कितना है मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। इन दो 0 से लेके 15 डिग्री तक के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 0.55, ठीक है, क्योंकि हमारा ये इक्विडिस्टेंट है, इसलिए हमारे लॉन्गिट्यूड्स क्या रहेंगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का डिस्टेंस दोनों का सेम ही रहेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यहाँ पे रखिएगा स्केल, स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, राइट? हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, हमने यहाँ पे खींचा और ये हो गई हमारी 90 डिग्री, दैट मीन्स हम पोल्स तक पहुंच गए, ठीक। यही पार्ट, यही काम को हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, नीचे भी हम लोग ऐसे लाइंस खींचेंगे। तो मैंने 90 तक की दोनों साइड लाइन खींची और जो बेकार की जो एक्स्ट्रा लाइंस थी उसे रिमूव कर लिया, ठीक है, इरेज कर लिया है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ हमें लिखना बाकी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देते हैं, ठीक है, पूरे पूरे ग्लोब का है ये। 0, 0 के बाद 15 का क्लास इंटरवल है, 15 डिग्री आएगा। 15 के बाद 15 और ऐड करिए 30, 30 में 15 और ऐड करिए 45, 45 में 60, फिर 75 और फिर 90 डिग्री,
ठीक है, ये यहाँ पे पूरे में साउथ लिख दीजिएगा, मैं बाहर लिख दे रही हूँ, आप लोग अंदर लिखिएगा साउथ, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 15 नॉर्थ, ठीक है, और यहाँ पे 15 30, फिर 45 60 एंड 75, ये पूरा नॉर्थ हो जाएगा। गाइज मेंशन जरूर करिएगा नॉर्थ, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे शुरुआत करते हैं लिखने की। तो ये जो पॉइंट होगा ये 180 का होगा, ये जो पॉइंट होगा ये भी 180 का होगा, और बीच में कहीं प्राइम मेरिडियन आएगी, ठीक है। तो शुरुआत क्या करेंगे हम लोग, 180, उसके बाद कितना हो जाएगा 165 डिग्री ईस्ट, राइट, ईस्ट मेंशन करिएगा जरूर, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा 165 के बाद हमारा 150, फिर ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 135, फिर ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 120, फिर ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 105 ईस्ट, सॉरी वेस्ट, एंड ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 90, एंड ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 75, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा 60 वेस्ट, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 45, फिर ये वाला जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 30, ये हो जाएगा ये हमारा 15, और ये जो हो जाएगा ये हमारा होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री दैट मीन्स कि ये जो है ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। मैं यहाँ पे एरो करके लिख दे रही हूँ PM, दैट मीन्स प्राइम मेरिडियन, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, 50 से 180 जाएंगे, 15 डिग्री ईस्ट, राइट, 15 डिग्री ईस्ट, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ से पूरा ईस्ट से होगा और यहाँ से पूरा, ठीक है, इस पॉइंट से लेके पूरा वेस्ट होगा, ठीक। 15 के बाद ये जो पॉइंट, ये 15 का हो गया, ये हमारा 30 का हो जाएगा, ये हमारा 45, फिर हो जाएगा हमारा 45 के बाद 60, फिर 75, फिर 90, ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा 105, ये जो पॉइंट है हो जाएगा हमारा 120, ये जो पॉइंट है हो जाएगा हमारा 120 के बाद 135, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा हमारा 165, और ये हमारा 180, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, राइट। तो ये होता है हमारा, और ये जो हमारी ये डार्क लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है हमारी इक्वेटर, यहाँ पे लिख दीजिएगा इस लाइन के ऊपर इक्वेटर, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा डार्क, जैसे मैंने किया था इस तरीके से डार्क कर दीजिएगा, और ये जो बीच की जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है इसे भी आप लोग क्या करेंगे, डार्क कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, ये दोनों लाइंस को आप डार्क कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली थिंग्स आप चाहें तो आप इस साइड भी लिख सकते हैं यही चीज को, ये वाले पोर्शन को, पर अगर आप लोग चाहें तो, वैसे ऐसे भी सही होता है, पर अच्छा दिखने के लिए आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, राइट। और ये नीचे वाला पोर्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हमारा जो था, ये था हमारा इक्विडिस्टेंट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, ठीक है, जिसमें हमारा जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, जो कि हमारा 0. ऊपर चलिए 0.55 है सेंटीमीटर, राइट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैंने ट्रिक सिखाई आपको इक्वल मेजरमेंट की वो भी आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ, देखिएगा इतने डिस्टेंस को आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्या ये 0.5 है, तो आप लोगों को आई होप यहाँ से ध्यान से दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन 0.5 है, और जूम कर लेते हैं हम लोग, पूरे डिस्टेंस को हम लोग देखें तो पूरा ये 0.5 डिस्टेंस है, और ना ही मैंने इसको कंपास में मेजर किया था, और ना ही मैंने आपको इसमें कुछ कहा कि कंपास में लेके आप आर्क काटिए। अगर आप लोग इस तरीके से करते तो आपका मेजरमेंट हो सकता है कि गलत हो जाता, क्योंकि हमारे जो चीजें, हमें जो कंपास होती है वो एकदम एकदम अच्छा मटेरियल, अच्छी चीज एकदम एग्जैक्ट नहीं होती है सबकी वैल्यूज, ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ एरर्स होती हैं, ठीक है। सो ये जो तरीका था, इससे आपका हमेशा से जो आएगा एरिया इक्वल जो आएगी, डिस्टेंस को हमेशा इक्वल आएगी और सही आएगी, एग्जैक्ट आएगी, और डिवीजन भी सही से हो जाएंगे। सो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी सारी वीडियोस को देखिएगा जरूर, अगर कोई चीज ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी ईमेल आईडी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप हमें मेल भी कर सकते हैं।